अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ जो सऊदी अरबिया के हवाले से है। दोस्तों काफ़ी अहम खबर है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों खबर पर आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग को बता दूँ, सबसे पहले अगर मैं कोरोना की केसेस आप लोग को बताऊँ तो आज सऊदी अरब में 25 दिसंबर 2021 में जो केस आए हैं 325 और जो न्यू रिकवर केस हुआ है 117, क्रिटिकल केस अभी भी 32 बना हुआ जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है, 1 लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ काफ़ी एक ये देखने को मिल रहा है कि रोज़ दिन पर दिन कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रहा है कोरोना केसेस में सऊदी अरब में, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और दोस्तों जो अगली खबर है, सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया की तरफ से एक अहम जानकारी आई है और जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले कुछ और हफ्तों में सऊदी अरब में कोरोना केसेस और बढ़ने का एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले कल में कुछ हफ्तों में सऊदी अरब में और कोरोना केसेस बढ़ें, और अगर फिर से सऊदी अरब में कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ें तो हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जा सकता है अगर सऊदी अरब में कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो। जो सऊदी पब्लिक अथॉरिटी, जो सऊदी हेल्थ अथॉरिटी पब्लिक वकाया के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डॉक्टर इमाद अल मोहम्मदी, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सऊदी अरब के अंदर कोरोना केस काफ़ी बढ़ सकता है। और एक इंटरव्यू हो रहा था अखबारिया में और उनसे काफ़ी सवाल भी पूछा गया लॉकडाउन के बारे में कि सऊदी अरब में कब लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो उन्होंने जवाब देते हुए बताया है कि अभी ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सऊदी अरब के अंदर क्रिटिकल केस जो है कितनी है, उस कितनी तादाद में क्रिटिकल केस है अभी, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कल में कुछ सऊदी अरब के अंदर कोरोना केस बढ़ें, बढ़ने वाले हों, तो इसमें ये देखा जाएगा कि हॉस्पिटल के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। और अगर क्रिटिकल केस बनता है या फिर जिन लोगों को आईसीयू में रखा गया है या फिर आईसीयू में उनको रखना पड़ेगा, तो आईसीयू में उन्हीं लोग को रखा जाता है जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती है। तो अगर केसेस बढ़ते हैं, क्रिटिकल केस ज़्यादा बढ़ते हैं सऊदी अरब में कोरोना केस और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है अगर, तो हो सकता है कि सऊदी अरब के अंदर लॉकडाउन या और कोरोना माफ़ कीजिएगा कर्फ्यू लगाया जाए। और दोस्तों जो वकाया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने ये सभी लोगों से कहा है कि वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं कि या फिर वो खुले प्लेस हों या फिर वो बंद प्लेस हों, ओपन प्लेस हों या फिर क्लोज प्लेस हों, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और आप मास्क लगाएं, क्योंकि इससे पहले जो हालात हुई थी सऊदी अरब के अंदर आप तमाम ही लोगों ने ये देखा था जो सऊदी अरब के अंदर रहते हो, चाहे वो सऊदी शहरी हो फिर गैर मुल्की हो, तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं, आप मास्क का पालन करते हैं, तो आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है आप उसको फॉलो करें, आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह हो सकता है कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना केसेस ना फैले, फिर ना फैले जो पहले की तरह, जो इससे पहले जो देखा गया था। तो आप लोग से ये भी गुजारिश किया गया है। दोस्तों ये थी एक अहम जानकारी जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया से जुड़े काफ़ी अहम और लेटेस्ट अपडेट अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।